हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 1 बजे से। यह हादी आ गया है स्कूल से और ये कर रहा है नाश्ता। इसको सर्दी नहीं लगती है भाई, ऐसी नज़र आता है। और फातिमा गई हुई है नहाने। हाथ हिला फातिमा। सॉरी, मैं दिखा नहीं सकती, नहा रही है क्योंकि वो ना। और यहाँ मैंने बेडशीट निकाल के रखी हुई है, ये बेडशीट बिछाऊंगी, ये वाली चेंज करूंगी और मशीन लगाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह जो हैं दोनों गंदे हो गए हैं, तो मैंने सोचा मशीन लगा ली जाए। तो बस यहाँ यही काम स्टार्ट हो रहा है। ये सब काम करने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। यहाँ मैं कर रही थी बेडशीट चेंज और ये मैंने वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर बिछाया हुआ है नीचे, तो इसलिए ना आसानी हो जाती है कि बच्चे अगर कुछ चीज़ गिरा दें तो इतनी बेडशीट वगैरह मेरी गंदी वैसे होती नहीं है। मैं हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि हम लोग बेड पे खाना पीना करते नहीं हैं, हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। बेड पर ज़्यादा खाना पीना करने से बेडशीट्स वगैरह ज़्यादा गंदी होती हैं। इस वजह से यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बेडशीट चेंज कर रही थी और दूसरी बेडशीट यहाँ पर बिछा रही थी, तो बच्चे जो है ना बिछाने नहीं देते, आकर कूदियाँ मारना शुरू कर देते हैं। फातिमा भी यही हरकतें कर रही थी, फिर मैंने डांट के उसको नीचे बिठाया, फिर सुकून से यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की। ये देखिए बेडशीट बिछा दी है, अब मैं जो है ना इसके ब्लू कवर वगैरह चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर काम भी चल रहा था और मुझे इस बात की टेंशन भी हो रही थी कि मशीन लगाऊं नहीं लगाऊं, यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और आप लोगों की सिटी में किस तरह की ठंड है, क्योंकि कराची में इतनी ठंड होती नहीं है। जब ज़रा सी ठंड आ जाए ना तो हम कराची वालों के हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं, वही बात हो गई ना, काँपें टांगने लग जाती हैं फ़ौरन से ही हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है इतनी ज़्यादा ठंड की ना, और बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा जो है ना माइंड वही हो रहा था कि लगाऊं मशीन या नहीं लगाऊं, फिर मैंने सोचा यार लगा ही लेती हूँ क्योंकि फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो और ज़्यादा देर पानी में रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार आज ही लगा लेते हैं मशीन, कोई बात नहीं, ठंड तो होती रहेगी, अभी तो चलेगी जनवरी फरवरी तक तो ठंड रहेगी, सो ये थोड़ी ना हम कपड़े नहीं धोएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगाने का इरादा भी कर ही लिया था कि आज ही लगानी है मशीन। ये हो गया हमारा बेड बिल्कुल साफ़, ये देख सकते हैं आप, पिलो वगैरह कुशंस वगैरह सब कुछ मैंने सेट कर दिए, बट बच्चे सेट रहने दें तो तब की बात है ना। अभी देखें फातिमा फ़ौरन से आ गई है, वैसे ही स्कूल से आई थी, नहा धो के तैयार हुई थी ना, तो इस वजह से यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही थी, बास्केट में डाल रही थी। तो जी 1 घंटा लगा था तकरीबन मुझे कपड़े धोने में, मैं वीडियो नहीं बनाई कपड़े धोते हुए, बस यहाँ कपड़े मैंने सुखा दिए थे। और भी ज़्यादा कपड़े हैं, आप लोग कहेंगे इतने से कपड़े हैं, उसमें इतनी वाबेला मचा रही थी कि सर्दी हो रही है, नहीं भाई पीछे भी सूख रहे हैं, गार्डन में भी कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ धूप ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैंने यहाँ पर जो है ना मोटे कपड़े डाल दिए ताकि वो धूप में जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि एक दिन तो पूरा लेते ही हैं। और हादियाँ सफाई कर रहा था, फिर मैं घर में आई तो बच्चों ने कहा कि माँ कुछ खाने को दे दें, तो ये मेरे पास पापड़ रखे हुए थे और गैस, देख सकते हैं आप गैस का यही सूरत हाल है। आप लोग बताएं आप लोग की तरफ गैस का क्या सूरत हाल है, दिन में भी यहाँ पे यही हाल है गैस का और रात में तो बिल्कुल भी गैस नहीं होती है। सो यहाँ पे मैं बच्चों को तल के दे रही थी पापड़ और हादी के बाबा भी घर पे ही थे, तो वो भी ये बहुत शौक से खाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए भी लाजमी बनाइएगा, मैं भी खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो सही है। मैंने पूरा पैकेट ही फ्राई कर लिया था और फिर बच्चों ने और हमने मिल के मज़े से खाया, आधे पापड़ फ्राई हो गए थे, आधे मैं कर रही थी। बस गैस की वजह से जो है ना तेल इतनी ही देर में गरम हुआ था कि मैं खड़े खड़े वहाँ पे सोच रही थी कि कुछ और ही काम कर लेती हूँ इससे बेहतर। मैं यहाँ में कुछ में जो है चाट मसाला डाल रही थी क्योंकि यार इसको खाने चाट मसाला डाल के खाने का मज़ा ही अलग है। बच्चों को मैंने फीके दे दिए थे और ख़ुद मैंने ये खा लिए थे। और यहाँ पे एक गिफ्ट आया था, किसी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा था ड्राई फ्रूट्स का, तो यार ऐसे गिफ्ट्स ना भेजते रहा करो, जो भी दोस्त है ना इसी तरह के गिफ्ट भेजा करो, ताकि सर्दियों में एक तो मज़ा भी बहुत आता है खाने का। तो मैं यहाँ पर रख रही थी इसको चेक कर। बस फिर हम लोगों का रात में खाना हम लोगों ने नहीं बनाया, हमने पिज़्ज़ा मंगाया था बाहर से, उसी से हम लोगों ने जो है ना रात का खाना खा लिया था क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था। आप लोगों को पता है आजकल के बच्चे बड़े ही शौकीन हैं पिज़्ज़ा वगैरह के, तो बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया
और हम सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।